ये है हिमालय के तराई क्षेत्र की शिवालिक रेंज की पहाड़ियाँ, जो घर है हाथी, शेर, चीते, चीतल, हिरन, अजगर जैसे जंगली जानवरों का। ये घना जंगल घुमंतू वन गुजरों का भी घर है, जो अनेक मुश्किलों के बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी इन जंगलों में रहते आए हैं। बिजनौर से सिरमौर तक फैली इन शिवालिक की पहाड़ियों में ये जनजाति जंगली जानवरों के साथ रहती आई है। इन्हें साथ साथ देखकर पता चलता है कि जंगल और जंगली जानवरों से इंसानों की दोस्ती भी हो सकती है। मुसलमान होने के बावजूद ये वन गुजर शुद्ध शाकाहारी हैं, इसीलिए शायद जानवरों को इनसे कोई डर नहीं है। और वन गुजरों को इन जंगली जानवरों से भय नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत है इन लोगों का दूर दूर बसे अपने अपने डेरे में रहना। साधारण आदमी, खासकर शहरी इलाकों में बसने वाले लोग, तो सोच भी नहीं सकते कि आदमी और जंगली जानवर यूं प्यार से एक ही जगह साथ साथ रह सकते हैं। उन्हें तो अकेला जंगल में जाना पड़े तो सोचकर ही डर जाएं। पर शहर में पढ़े लिखे बड़े हुए नौशाद आम शहरी से अलग निकला। जब इस इलाके में साक्षरता फैलाने का काम करने वाली एक संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र ने नौशाद से आग्रह किया कि पढ़े लिखे होने की वजह से वो अनपढ़ वन गुजरों को पढ़ाने में उनका सहयोग करे, तो वो तुरंत मान गया। सबसे पहला काम था लोगों से संपर्क साधने का। पर एक एक घर, जिसे ये डेरा कहते हैं, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था, इसीलिए एक दिन में 2-3 डेरे से ज्यादा जगह पर नौशाद जा नहीं पाता। न यहाँ ढंग की कोई सड़क थी, न पानी बिजली की सुविधाएं। बावजूद इन समस्याओं के नौशाद ने धैर्य का परिचय दिया, और चाहे वक्त लगा पर वो इसी तरह एक एक दिन में 2-3-4 डेरों पर जाता, घर के आदमी को समझाता कि क्यों उनके लिए साक्षर होना महत्वपूर्ण है। नौशाद के मित्रतापूर्ण रवैये की वजह से लोगों ने उसकी बात सुनी भी, समझी भी, और नौशाद के साक्षरता केंद्र पर पढ़ने आने लगे। वह भी बिना पैसे का। वह भी बिना पैसे का। रोशनी, रोशनी, हाँ, हाँ, तभी ये शादी हुई, तभी ये शादी हुई। मेरी भी यही मांग थी, मेरी मांग थी। नौशाद अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई, और ये वन गुजर बड़े चाव से पढ़ना लिखना सीख रहे थे। किताबों के प्रति इनकी रुचि देखिए। नौशाद की क्लास में आने से पहले ही ये अपनी अपनी पुस्तकें खोल उसमें लिखे अक्षरों को समझने की कोशिश करते नजर आते हैं। हो मेरा काम गरीबों का मददगार बनना, दर्द बंदों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। यहाँ भी बड़े धैर्य से, शांति से नौशाद ने पढ़ने लिखने की बात आगे बढ़ाई। उसने स्थानीय शेर शायरी, कविता के जरिए लोगों की केंद्र में रुचि बनाए रखी। जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। शमा जानते हो किसे कहते हैं? जो रोशनी होती है उसको उसको शमा बोलते हैं। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। नौशाद को लगा कि अगर पढ़ने में ये लोग ऐसी ही तन्मयता दिखाते हैं तो उसका लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। पर एक दिन उसे अचानक धक्का लगा जब वन गुजरों ने कहा कि अलविदा, अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। नौशाद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इतने महीने, इतनी मेहनत से जो उसने वन गुजरों को क ख ग की दुनिया से परिचय करवाया, उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर वे अपने पाठ को जारी नहीं रखते। डेरे पर आई, डेरे की रौनक दुगनी हो गई। इन्हीं उदास लम्हों में उसे एक तरीका सूझा, वो था क्यों नहीं इनके साथ वो भी पहाड़ों पर जाए। हालांकि गुरु शिष्य की परंपरा तो यही रही है कि शिष्य गुरु के घर आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, पर नए ख्यालातों के मालिक नौशाद शिष्यों के साथ साथ चल पड़े।
जिस पड़ाव पर इन शिष्यों ने डेरा डाला, नौशाद ने वहीं इनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। पर शुरू शुरू में जो जोश था पढ़ने का, उत्साह था कुछ सीखने का, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया, खास करके महिलाओं में जो अब क्लास में आने से कतराने लगी, और जो थोड़ी बहुत आती रही वे भी क्लास बीच में छोड़कर जाने लगी। ये देखकर नौशाद को बहुत दुख हुआ। वालेकुम सलाम। और कैसे हो? ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो ठीक चल रहा है दीदी, लेकिन हम लोग जैसे 6 महीने नीचे रहते हैं इनके साथ, फिर 6 महीने पहाड़ में जाते हैं, इतना समझाते हैं इनको, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्लास लगाते हैं ना जैसे हम, तो महिलाएं जो हैं बीच बीच में से क्लास छोड़ के जाती हैं, और कभी कहती हैं बच्चे को दूध देना है, खाना देना है, और ये काम करना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये तो अच्छा हुआ तुम निकले थे एक काम करने, और तुम्हारे हाथों से दो काम हो रहे हैं। वो कैसे? देखो, 15 साल से ऊपर के लोगों को अक्षर ज्ञान देना और बच्चों को पढ़ाने का काम। वैसे तो ये कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष के लोगों के लिए है, लेकिन तुम वॉलेंटियर्स को इतनी छूट दी गई है कि तुम उनकी परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें पढ़ा सकते हो। वैसे तो ये घुमंतु वन गुजर 6 महीने पहाड़ों में रहते हैं और 6 महीने यहीं पर नीचे रहते हैं, तो ये स्कूल तो जा नहीं सकते। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इनके माँ बाप के बीच में लेके बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, या तुम बच्चों का अलग क्लास ले लो और इनका अलग से क्लास ले लो, तो ये ठीक रहेगा नौशाद? ये ठीक है। प्रीति दीदी की बात नौशाद की समझ में आई। जब ये वन गुजर दिन में अपनी भैंसों के लिए पत्ती काटने जाते, तब नौशाद ने पीछे साक्षरता क्लास में बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। महिलाएं जिनकी खास चिंता थी ये बच्चे, और जिनकी खातिर ये क्लास छोड़कर घर भागती थी इन्हें संभालने, उनकी माने समस्या ही हल हो गई। अब वे खुशी खुशी क्लास में बैठती हैं, बड़े लगन से पढ़ना सीखती हैं, और क्लास में एक तरफ नौशाद बच्चों को भी ज्ञान का प्रकाश दिखाने में लगा है। पर घुमंतु मन वाले ये वन गुजर कब तक एक क्लास में बैठ कर पढ़ते? उनका जीवन तो प्रकृति की इन वादियों में घूमना, पेड़ पौधों से बातें करना, जंगली जानवरों से दोस्ती करना, इन्हीं बातों में व्यस्त था। शहरी मापदंड से वे निरक्षर ही सही, पर प्रकृति की हर बात उनकी समझ में आती। जब सतीश ने निश्चय किया कि वो पहाड़ी इलाके में बसने वाली इस घुमंतु जनजाति के लोगों के बीच साक्षरता का दीप जलाएगा, तो उसने इन प्रकृति प्रेमियों के लिए प्राकृतिक बातों से जुड़ा पढ़ने का तरीका अपनाया। उसने पढ़ाई लिखाई के साधारण तरीकों से अलग हटकर गुजरों को उन्हीं की भाषा में अक्षरों से अवगत करवाया। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और फिर बनाए रखने के लिए सतीश ने जंगल से संबंधित बातों और लफ्जों का इस्तेमाल किया, जैसे कि यो हमारो जंगल है, हमने जानते भी प्यारो है, या जीव जंतु पशु पक्ष सबको हमने प्यार दिया है, फूस जंगल जमीन इन सब को प्यार लियो है। अनपढ़ सही, पर ये लफ्ज गुजरों को जाने पहचाने लगे। निरक्षर सही, पर उनमें संस्कृति के ज्ञान का भंडार था। इसीलिए जब सतीश इस इलाके की या इस जनजाति की पुरानी संस्कृति की बातों को उन्हीं की भाषा में सुनाता समझाता, तो स्वाभाविक था ये लोग उसके केंद्र की ओर आकर्षित हुए और सतीश में विश्वास जगा। साबाश सतीश, इन्हीं नए तरीकों से हम अभियान को सफल बना सकते हैं। यदि हम किसी और भाषा में बात करें तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, हमें इनकी भाषा में बात करनी होगी। ये जंगल हमारो है, जानते भी प्यारो है, तो ये लोग जल्दी समझ जाएंगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब हम आगे चलते हैं, अगर हम नए नए तरीके बताएं तो ये लोग जल्दी समझेंगे। जंगल के विषयों में इनसे चर्चा करवाएं, इससे दो बातें होंगी, एक तो ये कक्षा में आने लगेंगे और कक्षा रुचिकर बनेगी,
दूसरी बात, जंगल के बारे में इन्हें ज्ञान होगा और ये पेड़ों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो नूर आलम भाई बताओ कि जंगल से क्या फायदे हैं? जी फायदा ये हमारे को। जैसे ही सतीश ने वाद विवाद का दौर चलाया, वाकई में कक्षा में सभी की रुचि बढ़ गई। हमारे को तो कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ा, हमारा फायदा ही हो रहा हमारा। जैसे शेर होता है, कौन सोच सकता था कि नूर अली और हुस्न बी जो जंगल के फायदों के पक्ष और विपक्ष में इस तन्मयता से बोल रहे हैं, कभी निरक्षर थे। पत्ते खा लेते जिस वक्त टाइम आता हमारे माल को मार लेता, खा लेता अपने, उसका गुजारा मान जाता है। पढ़ना लिखना तो सीखा ही इन्होंने, बातों बातों में जंगल की अहमियत, उसको बचाने के महत्व की बातें भी इनकी समझ में आ रही हैं। इसी वाद विवाद की प्रक्रिया में जन्म लिया उस अंकुर ने, जिसने इनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ाई। सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले इन गुजरों का शोषण भी आम था। इनकी रोजी रोटी का जरिया ये भैंसे हैं, जिनका दूध घी मक्खन बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं, पर इस व्यवसाय के हर मोड़ पर इन्हें शोषित किया जाता। बनिए के यहाँ दूध घी बेचने जाते, वो खरीद तो लेता पर पैसे 6 महीने बाद देता, और वो भी पूरे नहीं, किसी न किसी बहाने ब्याज का टेढ़ा मेढ़ा गणित लगाकर उनके पैसे मार ही लेता। फिर जिस जंगल में ये रहते थे, भैंसों को चराते थे, वहाँ के जंगलात वाले भी इन्हें काफी परेशान करते थे। न सिर्फ इनका घी मक्खन दूध ले जाते, पर हर महीने सलामी की रकम भी वसूल करते। ऐसे में इनके बीच साक्षरता फैलाने का फायदा ये हुआ कि ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। अक्षर दूत के समझाने पर इन्हें समझ में आया कि इनका वाकई में शोषण हो रहा है, और इन्हीं के अंदर भावना जगी इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर कि आप लोगों में एकता रही, कि आप लोग बिल्कुल एकता से मतलब अपना जुट रखेंगे, तो सभी को अपने भाई को भाई मान के रखोगे, आपको बहन को बहन मानोगे, उसमें क्या में आपकी मतलब बहुत ताकत हो जाएगी। पर इनके आवाज उठाते ही जंगलात वाले चिंतित हो उठे। उन्हें लगा ये साक्षर कर्मी वन गुजरों को भड़का रहे हैं। बस फिर क्या था, इन जंगल अधिकारियों ने स्वयं सेवकों के जंगल में आने जाने पर रोक लगा दी। खासकर इन गुजरों तक पहुंचने के रास्ते में ढेर सारी बाधाएं डाल दी। कुछ समय के लिए तो हमें जाने दीजिए, फिर ना, उसके बाद हम आगे से प्रोग्राम बना लेंगे। ना बिल्कुल नहीं, वापस जाओ ये साहब, तो आज तो जाने दो हमें, आज तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल नहीं जाने देते। दीदी वहाँ पर मतलब परसों ताहिर गया था, ताहिर को उन्होंने पकड़ के बहुत मारा, तो दूसरे तीसरे दिन मैं भी फिर गया, तो मेरे को भी उन्होंने काफी रोका, तो वहाँ पर हमें बहुत परेशानियाँ होती है। तो ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप मतलब इसमें जा नहीं सकते हो। जर भी उनके साथ गए थे ताहिर के पास, लेकिन गुजरों को भी उन्होंने अपने पास नहीं आने दिया, काफी उसकी पिटाई करी। अब इस मामले से हमें भी काफी डर लगती है। तो तुम्हें मारा तो नहीं? नहीं मारा तो नहीं, मैं उससे उसी दिन वापस आ गया था, मुड़ के मैं गया नहीं फिर वहाँ। उसके अगले दिन एक साथ वाला और था वॉलंटियर, वो भी गया था, उसको भी उन्होंने काफी परेशानी दी वहाँ पर। दीदी अब तो मैंने ये फैसला कर लिया, मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर हमें काफी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो घबरा गए इस बात से? अरे ऐसा तो जिंदगी में कई बार होता है, चुनौती स्वीकार करो तो रास्ते में रुकावटें तो आती हैं। वैसे भी ये लोग निजी स्वार्थ के लिए पहाड़ों में रहने वाले वन गुजरों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ताकि वे उनका शोषण कर सके। कुछ परेशानियां ऐसे हैं कि वन गुजर भी डर के मारे हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ एक तरीका है, ऐसे विपरीत हालातों में तुम घबराओ मत, क्योंकि सच्चे मन से समाज सेवा कर रहे हो तो लोग तुम्हारे साथ होंगे ही। पर एक और तरीका है, उन वन विभाग वालों के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि इन्हें पढ़ाने से कितना फायदा हो सकता है। समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि इन्हें पढ़ाया जाए। तुम ऐसा कर सकते हो, उनके पास जाओ, उन्हें जरूर समझाओ ये। ठीक है दीदी, अब मैं ऐसे ही करूँगा। स्वयं सेवक पूरन जोशी, जो जंगलात वालों द्वारा रोक टोक के कारण परेशान था, अब प्रीति के समझाने पर एक बार फिर सक्रिय हो गया। वो अपने शिष्यों के बीच गया, उनसे समस्या पर विचार विमर्श किया, उन्हें विश्वास में लिया और कहा कि अगर लोग उसे पूरा सहयोग देते रहें, तो वो अपना पढ़ाने का काम जारी रख सकता है।
लोगों को ये बात जल्दी समझ में आ गई, क्योंकि वे चाहे पूरे पढ़े लिखे ना सही पर समझदार तो थे ही। वे जान गए कि जंगलात वाले क्यों पूरन मास्टर जी को उनके बीच नहीं आना देना चाहते। बस फिर क्या था, नए जोश नए उत्साह के साथ मास्टर जोशी इन्हें पढ़ाने में लग गए। कुछ कुछ रंगीन रंगीन चमकदार चमकदार टोपी टोपी पहने पहने हुए हुए थे थे जम्मू जम्मू कश्मीर में कई जातियों के लोग रहते थे। पढ़ाने का जोश, समाज के इन पिछड़े लोगों को अक्षरों की दुनिया में ले जाने का उत्साह, ये तो गीतांजलि में भी था, जो अपना शहर का घर छोड़ 6-6 महीने तक इन जंगलों में इन वन गुजरों के बीच रहकर उन्हें पढ़ाती थी। पर उसके सामने जो समस्या आई वो थी, घर वाले उससे नाराज थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी घर से इतने लंबे समय तक दूर रहे, वो भी किसी अनजान जगह जहाँ खतरे भरे थे। ये बात गीतांजलि भी समझती थी, इसीलिए घर वालों को दोषी भी नहीं ठहरा सकती थी। एक दिन उसे लगा कि क्यों न वो इस झमेले को छोड़ दे। और गीतांजलि, तुम्हारा कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा दीदी, लेकिन दीदी जब मैं महीनों महीनों घर नहीं जाती हूँ ना, तो माँ कहती है कि लड़कियों को इस तरीके से बाहर नहीं रहना चाहिए, वरना समाज उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखता है ना। अब इन बेकार की बातों को छोड़ो, तुम्हें नहीं पता आज की लड़कियाँ कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तुम्हें उन समाज वालों को बताना चाहिए कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। इन वन गुजरों को क्या तुम पढ़ाना छोड़ दो कि समाज के कहने से? नहीं दीदी, तुम जैसी लड़कियाँ और महिलाएं ही इस अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं। तुम्हें अपने घर वालों को भी समझाना चाहिए कि तुम कितना बड़ा काम कर रही हो। तुम्हें तो इस बात पे गर्व महसूस होना चाहिए। सच दीदी, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, मुझे भी अपने इस काम पर गर्व है। तो यहाँ दिखाई गीतांजलि ने समझदारी। उसने प्यार से अपने घर वालों को, समाज को समझाया कि न सिर्फ वो कोई गलत काम नहीं कर रही, बल्कि समाज की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पुण्यकारी और अच्छा काम कर रही है, जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए। समाज से लड़ने की बजाय गीतांजलि ने जो रास्ता अपनाया वो रंग लाया। अब वो घर वालों की मर्जी से जंगल में अपना साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। शुरू की अड़चनों ने गीतांजलि को और समझदार बनाया। वो अब नित नए तरीकों को खोजती रहती है, ताकि लोगों की साक्षरता केंद्र में रुचि बनी रहे। जैसे कि महिलाएं जहां अपना काम कर रही होती हैं, वहीं गीतांजलि पहुंच जाती, उन्हें किताबें थमाती और कहती कि देखो इन तस्वीरों को, तुम्हें क्या लगता है इन्हें देखकर क्या ख्याल आते हैं, वगैरह वगैरह। गीतांजलि के दोस्ती भरे रवैये ने इन भोली भाली महिलाओं का दिल जीत लिया। एकदम सहेलियों की तरह हंसते हंसाते वे कदम से कदम मिलाते साक्षरता की मंजिल की ओर चल पड़े। इसी तरह बड़े बूढ़ों के बीच भी गीतांजलि गई, उनसे बातों बातों में पढ़ने का महत्व बताया और उन्हें साक्षरता कक्षा में आने के लिए तैयार किया। वैसे स्वयं सेवक की असली परीक्षा भी तो यही है कि वो कैसे अलग अलग तरीके अपनाकर निरक्षरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, फिर उनकी साक्षरता में रुचि बनाए रखे, उनकी समस्याओं को सुलझाने में अपना योगदान दे। स्वयं सेवक अनिल ने यहाँ के निरक्षरों का मन भेदने के लिए पहले उनकी समस्याओं को समझा, फिर जैसे ही उसने इन्हें क ख ग की दुनिया का रास्ता दिखलाया, वैसे ही साथ में साफ सफाई, दवा टीका आदि के बारे में भी बताया। पीने का पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए और डेरे के आसपास हमें कूड़ा कचरा वो हमेशा डेरे से बाहर होना चाहिए, ठीक है। नतीजा, अब यहाँ के नवसाक्षर लगभग सभी तरह के टीकाकरण से वाकिफ हैं। वे साफ सफाई के प्रति भी ज्यादा जागरूक हो गए हैं।
जैसे हमारे बच्चे पहले बीमार रहते थे, आपके टीके लगाने के बाद हमारे बच्चे कभी बीमार ना हुए, कभी ऐसी उल्टी दस्त कुछ नहीं हुआ, काली खांसी से भी हमारे बच्चे ठीक हैं, और बाकी आपके दवाइयों से हमें सबको बहुत फ़ायदा। शाबाश, ये बड़ी खुशी की बात है, आपको ये पता चल गया सफाई क्या होती है, इससे क्या फ़ायदे हैं। शाबाश अनिल, पढ़ाई लिखाई की बातें तो हो गई, साक्षरता का सही मकसद क्या है तुम्हें पता है? सही मकसद है इन लोगों की बेहतर जिंदगी बनाना। तुमने पोलियो के बारे में बताया, स्वास्थ्य संबंधी बातें बताई, लेकिन इतना ही काफी है? नहीं, तुम्हें इन्हें एकजुट करके एक सहकारी संस्था बनानी होगी, जिससे इनमें कोई शोषण ना कर सके और ये लोग ज्यादा पैसा कमा सके और इनमें आत्मसम्मान की भावना पैदा हो। तो लीजिए, इस तरह खुल गई यहाँ पर सहकारी संस्था यानी कि कोऑपरेटिव। लोगों ने अपने 10-5 रुपए इकट्ठा करके अनिल के पास जमा करवाना शुरू कर दिया। फिर जिसे भी जरूरत पड़ती वो अनिल से उधार मांगता। अनिल उसी डेरे के बुजुर्गों से विचार विमर्श कर ऋण लेने वालों को पैसे देता। इसी तरह शुरू हुआ एक तरह का बैंक। अब जरूरत पड़ने पर इन्हें यहाँ के महाजन के पास नहीं भागना पड़ता, इससे वे शोषण से भी अपना बचाव कर पा रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपने ही लोगों के साथ मिलजुल कर खड़े किए इस बैंक से इन्हें मिल रहा है न सिर्फ आड़े वक्त पैसा, पर एक तरह का आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि धीरे धीरे इनमें बदलाव आ रहा है। स्वयं सेवकों की ये सोच कि सही मायने में साक्षरता सिर्फ क ख ग या 1, 2, 3 नहीं है, पर वो समझ है जिससे जीने के तरीके में सुधार आए, ये बात काम आई। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, अपनी जिंदगी को संवारने के प्रति लालसा इनमें बढ़ती जा रही है। पशु पशु पक्षी पक्षी सब सब को को हमने हमने प्यार प्यार दिया दिया है है। चुगान चुगान कुर्बानी कुर्बानी सौदा सौदा सागौन सागौन करौंदा करौंदा मौला। कौन सोच सकता था कि शिवालिक की इन पहाड़ियों में एक जमाने से रूढ़िवाद में जकड़े लोगों के बीच ऐसी हवा चल सकती है कि इनकी विचारधारा बदलने लगे? ये संभव कर दिखाया ताहिर ने। ये उसी के परिश्रम और लगन का फल है कि आज ये लोग निरंतर साक्षरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लोगों ने कहा, लोगों ने कहा, यह शादी का सही समय है, जंगल, जंगल का संग, हजार, हजार साल। वाह ताहिर, बहुत खूब। देखा आपने, ये लोग कितना अच्छा पढ़ लेते हैं। 4 साल पहले अनपढ़ मान के इनको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, आज इनकी अपने लोगों में एक नई पहचान है। क्या गिनती मात्र सिखाने से, बस का नंबर नोट करवाने से, दूध का हिसाब करने से क्या हमारा काम खत्म हो जाता है? जी नहीं, हमें इन्हें समझाना है कि हमें निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ऐसे में स्वयं सेवकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हें हमें समझाना है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ना है।